दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं, कौन सा गांव है सर? छतियाना। छतियाना, नाम क्या हुआ सर आपका? विष्णुदेव सिंह। बिट्टू देव सिंह? अच्छा, सर का नाम बिट्टू देव। पहले क्या करते थे? पहले तो अभी हम 78 से लगातार 2016 तक के सरपंच भी रहे इस पंचायत का, और प्रखंड के सरपंच संघ अध्यक्ष भी रहे। हाँ हाँ, अच्छा। इसके बाद आपको कब से डेयरी फार्म करने का इच्छा महसूस हुआ कि गाय पालनी है? यही जब हम किसानियत में आए तो सोचा कि इसके साथ कुछ लगा हुआ कुछ रोजगार होना चाहिए। मतलब कृषि के साथ? कृषि के साथ लगा हुआ रोजगार। तो कृषि के साथ अच्छा हमको यही लगा कि सबसे अच्छा पशुपालन है। कृषि के साथ मतलब पशुपालन का अगर समावेशन हो जाए तो मतलब सोने पे सुहागा जैसा बस रिजल्ट आ सकता है, ताकि सारा चीज़ कृषि से मिलेगा इसका, और कृषि में ही सारा चीज़ इसका इन्वेस्ट भी होगा। अच्छा अच्छा, एक तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताया, लेकिन मुझे एक सोच पे थोड़ा सा महसूस होता है। आजकल जो गाय पालते हैं उनका ये सोच या स्थिति है कि ज़्यादातर अंग्रेजी दवाइयों का चलन हो गया है, गाय भैंस से लेकर इंसानों तक हर चीज़ में, छोटी सी छोटी प्रॉब्लम में अंग्रेजी दवाई का उपयोग करके इनका इम्यूनिटी सिस्टम को कम कर दिया, मतलब रोग से लड़ने वाला जो क्षमता है वो कम हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि आयुर्वेदिक दवाएं जो है थोड़ा देर से फ़ायदा करता है लेकिन परमानेंट होता है, ये भी बात है। लेकिन ये सब कोई महसूस नहीं चाहता है कि तुरंत हम दवा दें तुरंत हमारा रोग ख़त्म हो जाए, फ़ायदा हो जाए। लेकिन ये भी है कि उससे दूसरा रोग भी उत्पन्न हो जाता है, लेकिन इसको समझ धीरे धीरे आदमी उसके तरफ जा रहा है। आयुर्वेद का शरण में तो जाना ही है। अच्छा, मतलब रोग को पूरी तरह जो अंग्रेजी दवाई वो ठीक नहीं करता, नहीं, दबाता है? नहीं ठीक करता है, दबाता है। परमानेंट अगर ठीक करना अगर, है तो अगर एक रोग ठीक हुआ तो दूसरा रोग उत्पन्न हो जाएगा, मतलब साइड इफेक्ट दे रहा है। साइड इफेक्ट होता है। तो पहले सर, जब 60 से पहले अंग्रेजी दवाई नहीं था भारत में, 1960 से पहले लोग कैसे इंसान और गाय या जानवर का इलाज भी कर लेते थे और सब कुछ ठीक रहता था, चलता था? मतलब इसका मतलब संभव था आयुर्वेदिक या इलाज जो है, आयुर्वेदिक इलाज संभव था पहले? एकदम संभव था, बिल्कुल संभव था। सब चीज़ का लमसम बुखार है तो ठीक हो जाता था, और किसी को सर में दर्द है उसके लिए सब अलग अलग दवाइयाँ जो है आयुर्वेदिक बना करके और पूर्वज जो यूज करते थे। एक कहानी है, एक कहानी नहीं सच्ची घटना है, बहुत पहले के हमारे पिताजी कहते थे जी जी कि दाम्पत्य इलाज कराने गया बनारस। अच्छा। वैद्य कैंसर उसको घोषित किए। अच्छा। कहीं घबराने की बात नहीं, आप घर जाइए और गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी और गाय के गोबर पर बना हुआ भोजन करके 6 महीना में आइए, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये सर का जो अनुभव देख सकते हैं कितने क्वालिफाइड हैं और अच्छे जानकार हैं, और इनका इंटरेस्ट देखिए कितना साल एज हो गया सर? एज हमारा अभी 73 साल हुआ है। 73 साल के एज होते हुए भी इतनी गायों का ये अपनी मतलब मन में लगाव है, गायों के प्रति इतना लगाव कैसे हुआ सर कि इतनी गाय आज भी संभाल रहे हैं? 73 साल में तो रोग कब का रिटायर कर जाते काम? हाँ, सपोर्ट में आदमी है अब तो, हमसे आदमी भी है, सब काम हमसे होगा नहीं लेकिन सपोर्ट में आदमी है, लेकिन देख रेख उसका करते हैं, पूरा देख रेख। जितना जो बाहरी प्रॉब्लम है आप फेस करते हैं उसको ठीक करते हैं जी। अच्छा, ये गाय जो है सारा आपने फार्म पे ही आपका तैयार हुआ है या आपने खरीदा है? सब बिल्कुल सब घर का है। एक एक घर का है? एक एक घर का है। तो अच्छी ब्रीड का है सब गायें, इन्होंने क्रॉस ब्रीड में तैयार किए हैं। एक एक जो गाय है वो सब मतलब आपका घर का? सब सब घर का, एक भी खरीदी हुई गाय देख सकते। एक छोटा सा फार्म है इनका, और एक लग रहा है कि 10-12 जानवर इसके अंदर। नाद का जो सिस्टम देखिए थोड़ा डिफरेंट है, दोनों साइड से गाय खाती है। अच्छा, ये वाला सिस्टम से इन्होंने बनाया है, लंबा चौड़ा नाद बना दिया है सर। इसमें पानी का व्यवस्था इनका कैसे करते हैं? जैसे पानी का वहाँ नल लगा हुआ है, वहाँ भी नाद में नहीं है, मतलब अलग से पिलाना रहता है? दे तो देते हैं, नादे में देते हैं। अच्छा, नादे में देते, पानी में देके और कुछ दाना उना डाल देते हैं। सबसे हाईएस्ट मिल्किंग आपका कौन सा गाय करता है? कितना लीटर यहाँ पे सबसे ज्यादा दूध देने? हाईएस्ट मिल्किंग वो गाय है सबसे हाईएस्ट 20 लीटर दूध भी आती है तब दूध देता है। सबसे हाईएस्ट मिल्कर गाय है, थोड़ा सा इस पर दुबरा गई है, कितना बीमार हो गई थी?
कितना इलेक्ट्रिशियन का गाय हो गया, कितना बारिश ने बच्चा दे दिया? ये अभी तीन बयान की हुई है। तीन तो अभी तो और स्थिति ठीक होना चाहिए। सर मिनरल इसको कौन सा देते हैं? मिनरल तो देते हैं कंपनी का, कंपनी हमको याद नहीं आ रहा। बिरबैक कंपनी का दीजिए सर। गिरबैक सबसे बेस्ट वही है। और बिरबैक का ही एक कैल्शियम आता है, वो भी दीजिए सर। बिरबैके का सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि सर इसका स्थिति थोड़ा मिनरल और कैल्शियम की बीमार हो गई थी गाय। गाय बीमार हो गई, वापस लाना है सर उसी रूप में। तो थोड़ा कमज़ोर हो गया। इनका फार्म पे 20 लीटर दूध देने वाली गाय हैं। देखिए कितनी लंबी चौड़ी ये गाय हैं। थोड़ा सा इसको तो बाछी बहुत अच्छा है सर। ये घर का बच्चा? घर का बच्चा। अच्छा, ये भी लग रहा है 20 लीटर तक दूध देने के में सक्षम हो। हाँ, सक्षम है। कितने महीने का है? अभी 15 महीना हुआ है। अच्छा, ये गाय भी आपका अच्छा लग रहा है। हाँ, इसका ये भी सब घर का है? घर का है, सब घर का है। मतलब इसका स्थिति और संतुलन, बॉडी मेंटेनेंस बहुत अच्छा है, देख सकते हैं। और सीमेन भी लगता है, गाभिन है। टैगिंग किया गया है। एक टैगिंग से आप क्या फायदा समझते हैं, जो कान में टैग लगाया है? टैगिंग तो सरकारी आदमी लगाने आया था। अच्छा, सरकारी आदमी लगाने? हाँ, कहा कि सब आपका आधार से जुटेगा। अब वो भी नहीं समझ पाया कि आखिर इसका क्या आगे स्कीम है। अच्छा, तो ये जो सरकार का जो नहीं सरकारी जो स्कीम और आधार पर जुटने के चलते। हाँ, हाँ। कि आधार पर जुटेगा तो कुछ भविष्य जरूर इसका अच्छा होगा। हाँ, अगर आधार से जुटता है तो गायों की संख्या पहले गिना जाएगा कि बिहार के अंदर कितनी गाय है। अब उसके हिसाब से कौन सी गाय कितनी मतलब डेवलप यहाँ कौन सी अथी में है, उस तरह से एक बदलाव के लिए इसको टैगिंग किया गया है कि इस हिसाब से काउंट करके गायों को और स्थिति ठीक किया जा सकता है। सरकार इस पर कुछ ध्यान दे सकता है। और क्या बताना चाह रहे थे, इतने सालों में क्या क्या बीमारियां इनको लगता है या क्या प्रॉब्लम है? अधिक बीमारी हो थनैला की बीमारी होती है, और कोई ज़्यादा बीमारी नहीं हो पाता है। तो थनैला में क्या इलाज करते हैं? थनैला में सुई वगैरह दिलवाते हैं, क्या करें सर? अगर शुरुआती जो है, तीन तरह की थनैला होती है। एक तो सर होता है कि टेम्प्रोरी है, जो शुरू एक होती है परमानेंट, और एक और होता है सब क्लिनिकल और एक परमानेंट थनैला, वो फिक्स थनैला बोलते हैं। तो सब क्लिनिकल मतलब पहला स्टेज में जो थनैला रहता है उसको पहला और दूसरा स्टेज तक क्या करना है सर, कि एलोवेरा का पत्ती अपनाना है सर। ये NDDB द्वारा प्रमाणित है। और एलोवेरा आधा KG लेना है, और चूना उसमें लेना है 50 ग्राम चूना। हाँ, और 15 ग्राम हल्दी। अच्छा। ये तीनों को मिक्सी में पीस लेना है, और उस पेस्ट को पूरे थन में दिन में 4 से 5 बार लगाना है। मतलब इसे हम लोग लगाते थे एलोवेरा के साथ मिट्टी मिला के। जी जी। और उसको लेप कर देते हैं। नहीं सर, एलोवेरा के साथ हल्दी चूना, हल्दी। अब उससे क्या होगा कि जो सूजन होगा वो चूना जो है दर्द और हल्दी मिल करके सूजन और दर्द और हल्दी को खत्म कर देगा। ऐसे भी हल्दी और चूना चढ़ाया जाता है आदमी भी कभी कुछ चोट टूट लग गया तो। जी, और एलोवेरा जो है एलोवेरा हल्दी मिल करके बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। और दूसरा चीज है, बहुत अच्छी बात बताया आपने। जी सर। हाँ, और गाय को कभी भी क्या करे सर, कि जो गाय ब्याती है तो दूध देती है, तो दूध देने के 40 मिनट के अंदर दूहने के बाद बैठने नहीं देना। अच्छा। कभी भी दूध निकाल लिए तो 40 मिनट के अंदर अगर गाय नहीं बैठेगी, क्योंकि हार्मोन जो है 40 मिनट तक दूध दूहने के बाद तक एक्टिव रहता है। कि ये कितना दिन तक चलेगा? ये हर दिन होता है, जब भी आप दूध निकालते हैं हर दिन। हाँ, जैसे गाय को 40 मिनट के अंदर बैठने नहीं देना। तैसे भी 40 मिनट तक बैठती नहीं है। अच्छा, दूसरा जो है, क्योंकि बैठेगी वही थनैला होता है। कभी बाय मिस्टेक बैठ गई तो थन का छिद्र जो है खुला रहता है, जो नस है, और वो जो है बैक्टीरिया आराम से उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और वही थनैला हो जाता है। तो अगर दूहने के 40 से 50 मिनट या 1 घंटा तक नहीं बैठेगा तो बहुत ज़्यादा आपका फार्म तो अच्छा होगा, बेहतर कि दूहने के बाद ही खाना उसको मिले, खाते अपना खराब। हाँ, उस पत्ती को आपको अपनाना है सर। हाँ। तो ये था हमारा आपके साथ बातचीत, और ये इनका फार्म है। कितने गाय ये आपने टोटल अभी तक हुआ है सर आपके? अभी हमारे पास 10 गाय है। 10 गाय हैं। सरपंच थे पहले, और इन्होंने अब रिटायर हो गए सारे चीज़ों से, सिर्फ गाय फार्म रिटायर।
रिटायर तो होते नहीं, लेकिन रिजर्व सीट हो गया। अच्छा, रिजर्व सीट। हाँ, रिजर्व सीट हो गया था। पुराना कोई अनुभव शेयर करिए सर, कुछ ऐसा जो इंटरेस्टेड आपके जीवन में घटा है इससे रिलेटेड, गाय से रिलेटेड, जिंदगी में कुछ ऐसा घटा हो कहानी। गाय से तो अगर से, लेकिन गाय हमको लगता है कि गाय जो जर्सी है इसके जगह पर देसी गाय हो तो बेहतर आपके लिए रहेगा। जैसे गिर है, साहिवाल है, रेड सिंधी है, उसका दूध में गुणवत्ता बेहतर, ज़्यादा गुणवत्ता है। अच्छा, तो मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ सर, क्या किया जाए कि जैसे कोई एचएफ गाय है जो 30 लीटर दूध दे रही है, 40 लीटर, और उसमें जो है प्योर देसी गिर का सीमेन जो है डाल दीजिए और उसको क्रॉस कर दीजिए। हो रहा है, जो उससे बच्चा निकल रहा है उस बच्चे को फिर गिर से क्रॉस कर दीजिए। आप करवा रहे हैं अब हम लोग, उससे क्या हो जाएगा कि एक तो कि दूध का लेवल अच्छा हो जाएगा और देसी का प्रभाव भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो जहाँ गिर गाय जो 12 से 15 लीटर दूध देती है वो 35-40 लीटर तक दूध भी देगी और उसका जो प्रभाव जो है दूध भी ज़्यादा देगी और दूध भी देसी टाइप के रहेगा। तो ऐसा कर सकते हैं। हाँ, वही ब्रीड पे काम ऐसे कर, वही अब जो सीमेन दीवार है ना। जी जी।